अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद फाह मिर्सा। आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस इनटू आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ सर्विस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। उनमें एडमिशन फॉर 2022 ओपन हो चुके हैं। इसके लिए मैंने एक मेहमान बुलाया ताकि आपको बेहतर तरीके से गाइड किया जा सके कि किस तरह आप अपना एडमिशन पॉसिबल कर सकते हैं इन आईएसटी इस्लामाबाद, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह अभी लेटेस्ट ही एडमिशन लिया है, तो वो काफी हद तक इस चीज के बारे में बेहतर जानते होंगे। तो विदाउट फर्दर टू लेट स्टार्ट टुवर्ड्स द इंटरव्यू। तो मोइज भट्टी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू, स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि आपका क्या एकेडमिक बैकग्राउंड था बिफोर कमिंग टू द आईएससी। I have done my matriculation and FSC from Cadet Holy School. ठीक है, सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मोहित भट्टी साहब, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईएसटी, एक तो आप माशाल्लाह एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आईएसटी, दोनों की रीजन बताएं कि क्यों एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड देन व्हाई आईएसटी फॉर दैट। इसकी बेसिकली पीछे रीजन ये कि एरोस्पेस करने की कि मुझे शौक था कि देखूं मैं किस तरह मतलब जहाज उड़ते हैं, इनका क्या प्रोसीजर है, किस तरह मतलब फंक्शनिंग होती है, एरोडायनामिक्स, ऑल दैट स्टफ। तो इंटरेस्ट था एरोडायनामिक्स की तरफ बेसिकली, तो उसकी वजह से एरोस्पेस में आने का मतलब मेरी रीजन है एरोस्पेस में आने की। और आईएसटी आने की वजह यही थी कि आईएसटी रैंक टॉप नंबर रैंक फर्स्ट पे आ रही है इस वक्त पाकिस्तान में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में करवा रही है उनमें नंबर वन पे आ रही है आईएसटी, तो मेन रीजन यही है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियली कंग्रेचुलेशन कि आपका माशाल्लाह अपना ख्वाब पूरा कर सकेंगे आईएसटी और जो है ना उसमें, क्योंकि एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाकई जो है आईएसटी की सबसे जो है वो अपना डिग्री मानी जाती है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि स्टूडेंट्स जैसे कि एडमिशन ओपन हो चुके हैं, मेरे ख्याल में जो मैंने ऐड पढ़ा था, मेरे ख्याल में 4-5 दिन पहले ऐड आया है उनका जो है थ्रू न्यूज पेपर जो है, इस हो सकता है वैसे ऑफिशियली शायद 2-4 दिन पहले भी स्टार्ट हो गया। तो मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स जो अभी अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, एक तो उनको बता दीजिएगा किस डेडलाइन को मद्देनजर रखें, क्या डेडलाइन आने वाली है और क्या प्रोसीजर था पिछले साल में और इस साल में, और आया कोई प्रोसीजर में चेंजिंग आप स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि www.ist.edu.pk, उधर जाकर आप अंडर ग्रेजुएट के ऑप्शन पर जाएंगे तो उधर आपको नज़र आ जाएगा एडमिशन ओपन का। क्लिक करने से आपके सामने एक लॉगिन पेज आ जाएगा, तो उधर आप अपना अकाउंट साइनअप करें। साइनअप अकाउंट करने के बाद आपके जितनी भी डिटेल्स वगैरह आप वहाँ फिलअप करें, एंड आफ्टर डैट ये सब कुछ फिलअप करने के बाद आपको एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मतलब जिसे आपके जिसने आपने बैंक चलान कह लें तो वो आपने जमा करवाएंगे, तो फिर आपका आगे फर्दर प्रोसेस होगा। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आईएसटी आया कोई खुद का टेस्ट लेता है या टेस्ट नहीं लेता है, या अगर टेस्ट लेता है तो क्या टेस्ट होता है, इस बारे में पूरी जानकारी कर दीजिएगा। आईएसटी का अपना तो खुद का कोई टेस्ट नहीं है, मगर ये काफी ज्यादा मतलब जितने टेस्ट होते हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान उनको एक्सेप्ट करता है, जिसमें आपके पास नेट आ जाता है, ईकैट है, एनईटी है जो कि नर्स कंडक्ट करवाता है, और इसके अलावा सेट हो गया, एनईडी हो गया, और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से कोई HSC ने एक नया टेस्ट शुरू किया था यूसेट, अब ये उसको भी एक्सेप्ट करेगा इस साल से। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग टेस्ट, मतलब देखें ऑब्वियसली इंटरव्यू जो इनका मेरिट है वो बहुत हाई होता है, पिछली दफा एक तो जरा मेरिट का बता दें क्या रहा था, ताकि फिर अल्टीमेटली जो है और मेरिट बनता किस किस बेसिस पे। लास्ट ईयर अगर अपनी फील्ड की मैं बात करूं तो 79-80 हो गया था, 80% क्लोज, और लास्ट टाइम इनका मेरिट था 60% नेट था और 40% एफएससी था, बट मोस्ट प्रोबेबली इस दफा हो सकता है कि इनका चेंज हो गया, लास्ट टाइम मैट्रिक इंक्लूडेड थी आई गेस, तो इस दफा हो सकता है थोड़ी बहुत इनके मेरिट कैलकुलेशन में चेंजिंग था इस दफा। ठीक, वैसे मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने लिख भी दिया हुआ है मेरिट कैलकुलेशन, मेरे ख्याल में लास्ट ईयर की तरह ही है, लेकिन वो मैंने वीडियो में जो दूसरी बनाई है एडमिशंस के रिगार्डिंग उसमें भी जाके आप कंसल्ट भी कर सकते हैं, जो अभी के लिए उन्होंने ऑब्वियसली मेंशन किया है, हो सकता है वेबसाइट पे चेंज हो जाए आने वाले दिनों में, लेकिन अभी के लिए वो जो मेंशन है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, मुझे बताइएगा, मैं आप कह रहे हैं कि मेरिट बनता है टेस्ट और उसकी बेसिस पे, तो इसमें अगर टेस्ट हर टेस्ट की ही सेम वेटेज है तो
तो वुडंट इट बी द राइट ट्रिक के जो है स्टूडेंट ऐसा टेस्ट दें जिसमें उनके मार्क्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, ताकि अगर वो एफएससी में कहीं लैक भी कर गए हैं किसी वजह से तो कम से कम टेस्ट की बेसिस पे जो है वो अल्टीमेटली कंडक्ट कर सके। जी सर बिल्कुल, हर टेस्ट की सेम वेटेज है, आप बेशक ईकैट का टेस्ट दें या आप एनईटी दें, तो इसमें अब एक टेस्ट जो यूसेट है और नेट, ये ऑलमोस्ट हर महीने कंडक्ट होते हैं, तो हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना स्कोर जितना इंप्रूव कर सकता है इन टेस्ट में वो करे, जितने टेस्ट दे सकते हैं दे, स्पेशली नेट का, क्योंकि नेट का एज कंपैरेटिवली इन तमाम टेस्ट के इजी टेस्ट होता है। ठीक है, अच्छा वैसे मेरे ख्याल में यूसेट का भी मैंने एक तो सैंपल पेपर बनाया, बड़ा इजी है, मतलब यही दो इजीएस्ट जो एक तो वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, बल्कि करवा दिए मैंने वो उनके एड पे देखा था, और एक आप जो नेट जो है रिकमेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि रिलेटिवली सारे टेस्ट इससे डिफिकल्टी होते हैं, तो उसमें आपके मेरिट जो है वो कम भी बनने के चांसेस हैं, खासतौर पर उस सूरत में कि आपको ऑब्वियसली जो है परसेंटेज तो सेम मिल रही है तो कोई डिफरेंस बनने नहीं जा रहा, तो आप जितना इजी टेस्ट देके जाएंगे। और नेट और यूसेट का मुझे नहीं पता, यूसेट का कॉन्सेप्ट्स वगैरह में, नेट का तो एडवांटेज ये भी है कि आपके कई और यूनिवर्सिटीज में भी आप उसको उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं नेट की बेसिस पे। जी सर ठीक है, अच्छा आपने माशाल्लाह मेरिट के बारे में बता दिया, टेस्टिंग मेथड के बारे में बता दिया, अच्छा मुझे बताइएगा कि जैसे आप अभी कर रहे हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इसके अलावा इसका हाईएस्ट मेरिट होता है या इसके अलावा भी किसी डिग्री का इससे ऊपर मेरिट था? नहीं सर, अभी मतलब जितने लास्ट 4 to 5 years देखा जाए तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ही हाईएस्ट मेरिट होता है एज कंपेयर टू द अदर डिग्रीज ऑफर्ड बाय द एरोस्पेस। ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा मुझे इधर ना एक बड़ी क्यूरी जो है वो स्टूडेंट्स के, देखिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए तो आईएसटी मानी जाती है, ठीक है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो डिफरेंट डिग्रीज में भी गए होंगे, कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इसके अलावा कोई भी मतलब जो ऑफर की जाती है फ्रॉम जो है आईएसटी, आया दूसरी डिग्रीज के बारे में भी आपके दोस्तों की सेम राय है कि मतलब दे मतलब उनका पढ़ाने का या उनका टीचिंग मेथड जो है वो बेटर है बाकी यूनिवर्सिटीज की निस्बत, या ओवरऑल आईएसटी में जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है? नहीं सर, बाकी जितनी डिग्री ऑफर होती है उनके भी फैकल्टी है, मेरे जितने दोस्त हैं उनसे मतलब मैंने जो पूछा उनके मुताबिक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आया, मगर अगर हम देखें ऑल ओवर द पाकिस्तान तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर एक फील्ड के लिए एक यूनिवर्सिटी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी आपकी फेमस है, तो ये ठीक है, लेकिन लेकिन आईएसटी ओवरऑल भी मतलब दूसरी डिग्रीज के लिए भी ओके आप जो है फीडबैक है उसकी। अच्छा मुझे बताइएगा, ये आपने कहा कि इसकी रैंकिंग जो है वो टॉप पे आती है फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो ये कैसे डिटरमाइन होता है, आया कोई एचईसी रैंकिंग दे रहा है या ये जस्ट खुद की बेसिस पे अज्यूम किया हुआ कोई एक एनालिसिस है? नहीं सर, ये एचएससी की रैंकिंग्स होती हैं जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान होती है, एक तो ओवरऑल यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग्स भी होती हैं और फिर डिग्रीज की रैंकिंग्स भी होती हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी डिग्री को अच्छी तरीके से परफॉर्म करवा रहा है। ठीक, अच्छा मुझे बताइएगा टेस्ट और मेरिट जो है वो बनने के बाद मतलब जो ओवरऑल आया कोई एचआर टाइप का मतलब एक जिसे कहते हैं सिंपल इंटरव्यू हो या कॉम्प्लेक्स किसी भी टाइप का इंजीनियरिंग या आपकी स्पेशलाइज एफएससी में प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, आया कुछ इस तरह का इंटरव्यू होता है या बिल्कुल नहीं होता है, इस बारे में जरा आगाही दीजिएगा। नहीं सर, जब आपका मतलब जब मेरिटेशन हो गया तो उसके बाद आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिंपल आपको आपका ऑफर लेटर मिलेगा और आपकी मतलब फीस चलान वगैरह आपको अपडेट हो जाएंगे आपको। ठीक, अच्छा मुझे बताइए ना यूनिवर्सिटी फी क्या है इनकी पर सेमेस्टर और फाइनेंशियल हेल्प और स्कॉलरशिप, अब ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपके साथ आए हैं तो अवेल करने की कोशिश की होगी क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर गुजर चुका है आपका भी, तो आया कोई इस बारे में बताइएगा, एक तो फीसिस के बारे में और आया उसके अलावा स्कॉलरशिप और उसकी फैसिलिटीज क्या है फाइनेंशियल असिस्टेंस की? जी सर, इनकी जो फीस है पर सेमेस्टर का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की देखी जाए तो वो तकरीबन 108,000 है, तो बाकी अगर इसकी देखा जाए बाकी प्रोग्राम्स की डिफरेंट फीसेस हैं, इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की डिफरेंट फीसेस हैं, और अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप ऑफर होती हैं आईएसटी में, एचएससी की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं, इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं। ठीक है, अच्छा आपने कोई मतलब लाइव एग्जाम्पल से मुराद है जो आपके साथ दोस्त पढ़े हों आया उनको आपने देखा है कि मतलब उन्होंने स्कॉलरशिप अवेल की हो?
जी सर, काफी मेरे मतलब सीनियर्स वगैरह हैं, दोस्त वगैरह, उन्होंने अवेल की हुई है स्कॉलरशिप्स। ठीक है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप का क्या मतलब, एक अगर आप बता सकें क्राइटेरिया, और कितनी फाइनेंशियल असिस्टेंस हो जाती है? आया फुल वेवियर के भी चांसेस होते हैं, मतलब एक स्टूडेंट नहीं कर सकता तो जब मतलब वो जॉब में आ जाए तो उसके बाद उसको रिटर्न बैक कर सके? आपने अभी तक क्या ऑब्जर्वेशन किया है उस हिसाब से बता दीजिएगा। सर, इनकी HSC की भी आती है जो गवर्नमेंट की तरफ से, वो तो फुल बेवियर होती है। उसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि हर सेमेस्टर के एंड पे आती हैं, जो कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को आपके मिलती है। तो जो टॉप स्टूडेंट होता है हर सेमेस्टर में, तो उसको फुल फीस वेवियर उसकी खत्म हो जाती है। तो इस हिसाब से होता है, जो सेकेंड होता है उसकी 50% ऑफ होती है, इसी तरह जो थर्ड होता है उसकी 25% ऑफ। ठीक, सही सही सही, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन आया? आप हॉस्टल मतलब, जैसे कि हम लाहौर से कोई आया है, कोई सियालकोट, नारोवाल, किसी और शहर से आया है, तो उनके लिए क्या हॉस्टल फैसिलिटी क्या जो है वो? जी सर, हॉस्टल अवेलेबल है ISP के, और काफ़ी अच्छे हॉस्टल हैं। अगर फीडबैक दी जाए तो हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ के हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं, गर्ल्स के भी हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। ठीक, यानी जो भी स्टूडेंट बाहर से आ रहे हैं, और अच्छा, इधर डे स्कॉलर का भी कॉन्सेप्ट है या सबको हॉस्टल फैसिलिटी जो है अवेल करनी पड़ती है, इसमें क्या है? मतलब जैसे कि जी GK सर वगैरह कुछ यूनिवर्सिटी है, उनमें आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करनी पड़ती है हर सूरत में? नहीं सर, यहाँ डे स्कॉलर्स भी हैं और हॉस्टल्स हॉस्टलाइट्स भी हैं। मतलब जो हॉस्टल अवेल करना चाहते हैं दे कैन अवेल, और जो नहीं करना चाहते हैं। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अभी तक का, जैसे आपने माशाल्लाह एक सेमेस्टर लगा लिया है और सेकंड सेमेस्टर में भी स्टार्ट हो गया है, तो आपका एक्सपीरियंस सो फार जो है क्या रिकमेंडेबल रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? और खास तौर पे मैं जिस एंगल से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ज्यादातर FSC बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब ISP में, एक तो पहले बताएं कि किस बैकग्राउंड से ज्यादा आते हैं, और यूजली वैसे मेजोरिटी यूनिवर्सिटीज में ऑब्वियसली FSC बैकग्राउंड से आते हैं, तो ISP में भी यही है, और है तो उनके लिए कोई रिकमेंडेशन हो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू आ रहे हैं, जो आपको लग रहा हो कि यार हमने ये फर्स्ट सेमेस्टर में समझ लिया, तो चले जो नए आ रहे हैं वो कम से कम इससे फायदा ले सकें? FSC से बैकग्राउंड के ताल्लुक रखने वाले भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ए लेवल्स के भी आते हैं। अगर ISP की बात की जाए तो सर, FSC में ये होता था कि हम ऑलमोस्ट एक एक किताब के ऊपर कंफाइंड रहते थे, मगर जब आप यूनिवर्सिटी में आते थे तो आपके पास एक कोर्स है, उसकी मुख्तलिफ बुक्स अवेलेबल हैं, रेफरेंट बुक्स हो जाती हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक्स हो जाती हैं। तो आपका जो नॉलेज गेन करने का होता है वो ब्रॉड हो जाता है माइंड आपका। सो स्टूडेंट से यही कहूँगा कि आप जब आएंगे तो आप नई चीज एक्सपीरियंस करेंगे, और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइए कि इस टाइम जो है IST कौन कौन सी डिग्री ऑफर कर रहा है? ISG सर, अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की देखा जाए तो 6 इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है। इसके अलावा स्पेस साइंसेस के प्रोग्राम्स भी हैं, CS भी है, और BS मैथ, BS फिजिक्स, इस तरह के प्रोग्राम्स भी हैं। ठीक, सही। अच्छा, जो अभी तक माशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर, एक तो आपने एडवाइस कर दी कि एक बुक पे नहीं, ऑब्वियसली एक कंसेप्चुअलाइज चीजें आएंगी, इसके अलावा कोई फर्दर जो है फाइनल रिकमेंडेशन हो आपकी तरफ से? फाइनल रिकमेंडेशन यही है सर कि इफ यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स यू हैव टू स्टडी हार्ड। सो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि अगर आपने अपने ड्रीम को वाकई अचीव करना है तो आप स्टडी हार्ड करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपको इसका अजर देगा। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली थैंक्स मोइज भट्टी साहब, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू, और होपफुली स्टूडेंट्स की बहुत सारी जो है वो हेल्प हुई होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा कोई आपकी फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पासान कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं खुद आंसर कर सकूँ तो मैं खुद कर दूंगा, अदरवाइज मोइज भट्टी साहब को जो है वो हम कहेंगे कि वो हेल्प कर सकें। तो इसके अलावा कोई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद वाबिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।